यहाँ स्कूल भी नहीं है। ये स्वर्गारोहिणी वो जोंधार ग्लेशियर। हाँ, इस पूरी वैली को शिव की वैली कहा जाता है। हर की धुन की यात्रा मैंने 2022 दिसंबर में की थी 2022 में। इस वीडियो को मैंने पहले क्लिप्स में बनाया था, day 1, day 2, day 3 करके। अब इस बार इस वीडियो को एक साथ फुल उसमें मैं डाल रही हूँ। जो लोगों ने नहीं देखा ये उनके लिए है, और जिन लोगों ने देख लिया है तो वो एक बार फिर से इसको रिमाइंड कर लें। इसमें क्योंकि कई बार लोगों को पूरी फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो यात्रा करने वाले हैं। हर की दून घाटी का अर्थ ईश्वर की घाटी है। उत्तराखंड के ये उत्तरकाशी जिले में यमुना की सहायक दो नदियां हैं, रुपिन और सुपिन। उसके आसपास फतेह पर्वत की गोद में बसा क्षेत्र है। यह उच्च हिमालय के निकट स्थित एक अत्यंत दुर्गम अंचल है। उत्तर में हिमाचल के किन्नौर में, पूर्व में तिब्बत से सटा हर की दून का इलाका अपने भीतर गोविंद पशु विहार व अन्य जीव अभयारण्य को समेटे है। यहाँ यात्री ट्रैकिंग के लिए आते हैं। घाटी की पृष्ठभूमि में 21,000 फीट की ऊंचाई वाले स्वर्गारोहिणी की चोटी भी दिखाई देती है, जो मैं 22 में करके आई थी, 21 में सॉरी, जिसके बारे में माना जाता है कि महाभारत काल में युधिष्ठिर और पांडवों सहित इसी शिखर से वो स्वर्ग को गए थे। इस यात्रा में, हर की दून यात्रा में दो गांव आते हैं, एक आता है ओसला और एक आता है गंगार। ओसला गांव जो है उसकी मान्यता ये है कि वो 5,000 साल पुराना गांव है, और वहाँ पांडवों की पुरानी प्रथा अभी तक चली आ रही है। जो उस टाइम पे 5 विवाह की प्रथा थी वो इस में अभी तक चली आ रही है। कुछ 10-15 अभी ऐसे फैमिलीज बची हुई हैं जिसमें आगे नए आने वाली पीढ़ी जो है वो नए रूल्स को फॉलो कर रही है, लेकिन जो पुराने थे उनमें 4-5 अभी ऐसे विवाहित जोड़े बचे हुए हैं जो अभी जिनकी 5-5 पत्नियां हैं और पुरानी जो परंपराएं अभी निभा रहे हैं। तो आपको इस यात्रा के दौरान इन गाँव में से होते हुए आते हुए पूरी संपूर्ण जानकारी मिलेगी। और इसको वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो इसका सहयोग कीजिए और इसको यात्रा को एक बार फिर से देखिए। जिन्होंने नहीं देखा है वो पूरा देखिए, और जिन्होंने देखा है वो भी दोबारा देख लीजिए, एक बार दोबारा से रिवाइंड हो जाएगा। अब मेरे को गाड़ी भैया के वहीं पे लेके जानी है, वहाँ से फिर हम आगे जाएंगे उनके साथ। मैं पहुँच गई हूँ पहले ही 790 हमारे बुलेरो का नंबर है, भैया अभी डोईवाला में है क्योंकि बोल भैया के साथ थी तो वो पहले छोड़ गए मुझे, अब मुझे वेट करना पड़ेगा। ये पूर्णिमा जी है, ये तो निधि है, पीछे वो कौन है, रीना। 180 किलोमीटर है यहाँ ऋषिकेश से, देहरादून से 180 बता रहे हैं, और ये मसूरी वाला रोड जाएगा। चलो नया रास्ता भी दिख जाएगा। अच्छा, आज हमारा स्टे है सांगरी में। यहाँ से यमुनोत्री 110 किलोमीटर है, ज्यादा दूर नहीं है वैसे। और ये नैन बाग आ गया मार्केट, नैन बाग। आज आपको यमुना जी के दर्शन कराएंगे, कितनी साफ है देख लो। हम आ गए हैं मोरी, और हमने डिसाइड किया था कि हम जो खाना खाएंगे, लंच करेंगे, वो नदी के किनारे बैठ के करेंगे। ये आ गया है सांगरी, साकरी। ये है हमारे आज के स्टे की जगह, हम दो के लिए ये रूम है, और आज ही ओपनिंग हुई है इनकी। यहाँ ना ज्यादा वो नहीं है, चहल पहल जैसे कहते हैं ना। हम यहाँ चाय बनाने आ गए हैं, भैया हमारे लिए मटर पनीर बना रहे हैं, दाल चावल पापड़, पापड़ भी है, और हम बाहर डिनर कर रहे हैं। अब अंदर लेके आगे, बाहर बहुत सर्दी है। सुबह सुबह रेडी हो गए हैं, सुबह ठीक पौने 7 ग्रीन टी मिल गई है हमको।
भैया मुझे डरा गए कि भाभी नाक पूरी टैंग हो गई है आपकी और जल गई। हमारे लिए बनाना आए हैं और ये आया पराठा लहसुन प्याज का। सांकरी में है और डे टू है ये हमारा। डे टू, डे वन था हमारा ऋषिकेश से सांकरी तक, और डे टू में जाएंगे पहले तालुका। तालुका से फिर हम ट्रैक शुरू करेंगे। 8 या 9 किलोमीटर का ट्रैक है, 14,500 रुपये आए, जिसमें रहना खाना फ्री और पोर्टर भी इसके साथ ही है। रहना खाना इंक्लूड है, फ्री नहीं, उसमें इंक्लूड है। यहाँ पे हमारी चेकिंग हो रही है, हमारे आई कार्ड लेके यहाँ पे आधार कार्ड वगैरह हुए परमिशन। हाँ, ये फॉरेस्ट एरिया है सारा। रोड भैया बता रहे हैं कि पहले बहुत खराब थी, मतलब कर राम राम कर करके जाते थे। 21वीं सदी का ये कई गांव ऐसे होंगे जहाँ तक अभी पूरी रोड नहीं पहुँची है। मोबाइल फोन की तो बात ही दूसरी है, रोड पहुँची नहीं तो लोग कैसे अपने जीवन का निर्वाह करते होंगे यहाँ पे। ये तो और भी डेंजरस लग रहा है। अच्छा अच्छा, ये लकड़ी का पुल था, हमने सोचा इस पे से गाड़ी जाएगी। मैं तो ड्राइवर का गाड़ी कैसे जाएगी, हम तो नीचे होंगे। यहाँ से हमारी गाड़ी की सेवा समाप्त होती है मेरे ख्याल से ना, ये लग रहा है ऊपर इधर जाना है। 8 किलोमीटर है। तो भाई गोविंद राष्ट्रीय पार्क में आपका स्वागत है। यहाँ से उतरना भी है हर की दून 27 किलोमीटर। भैया हाथ में दांत दिखा रहे हैं। आज हमें इस तरफ चलना है तो यहाँ धूप नहीं आती है, तो पूरी ठंड ठंड रहेगी। शाम तक आती होगी इधर धूप ना। यहीं पर भी ध्यान देना, जहाँ पर पानी टाइप का हो ना, फिर ऊपर मिट्टी होगी, नीचे बर्फ होगी। अच्छा, टेम्परेचर देख लीजिए, माइनस में भी 2-3 डिग्री से भैया ज्यादा होगा। हाँ, तभी जम रहा है, फिर पूरा पहनावा लद्दाख जैसा आ गया है एकदम चेंज। पंचक्की टाइप से बिजली बनाती है। हाँ, ये बिजली बनाने के लिए। अच्छा, ओहो इतना अच्छा लग रहा है धूप में आके। सितंबर में आओगे तो इतने फ्लावर होते हैं इस पूरी वैली में। अच्छा जी, पूरा रंगीन दिखते, दूसरी फूलों की घाटी है ये। हर की दून 25 किलोमीटर, अभी 2 किलोमीटर आए हम चल के। आज के लिए यानी कि 6 किलोमीटर और चलना आज का। मैं ये देखो गाय के लिए चारा लेके जा रही है, और यहाँ पे टोपी जरूर पहन रखी है और नाक पे जरूर ओढ़ा हुआ है क्योंकि स्किन जल जाती है ना। भाई ये दादी है इसकी, ये ले दादी, ये दादी हमसे जवान लग रही है। तो मुझे क्यों है जवान है? नहीं आप जवान हो, देखो स्किन देख लो। चलो चलो भाई, चलो भाई देखो दादी कैसे कैसे भाग रही है, और स्किन देखो कितनी अच्छी है। हाँ, ये बादल ही फटा था तभी ये मलबा रखा था, अभी ये रास्ता नीचे से बनाया है इन्होंने। कब आपदा आ जाए उत्तराखंड में, पहाड़ों के क्षेत्र में पता नहीं रहता। बाप रे, दोनों बैलों की जबरदस्त लड़ाई हो गई है, और उसको लड़के कोई भी गिरा दिया। ये कह रही थी एक वीडियो बनाऊंगी और इंस्टा पे डालूंगी छोटी छोटी बना के, कि बिहाइंड द सीन दीदी, बिहाइंड द सीन। और इतने में देखो खुद ही पड़ी पी। ये कौन सी हो? कौन सी? वो नहीं नहीं, वो सुपिन, ये रुपिन, ये भी वैसी है। ये है पांडवों वाली वैली, इस वैली में पांडव रहते हैं। और जो केदारकांठा की तरफ है उस तरफ है कौरवों वाली वैली। तो पांडव देखो कहाँ कहाँ घूमे हैं। यहाँ पे पांडवों की पूजा होती है, उस तरफ कौरवों की होती है। ये बेबी बैम्बू है, और जितने ये बैम्बू है ना उतना भालू का डर है, तो जो आगे जाने वाले हैं जरा रुक रुक के जाए। ऐसी जगह बार बार तो आना होता नहीं है, तो जैसे हम आंखों में बसाए जा रहे हैं ना, मेरा मन कर रहा था बस इन्हीं को देखते रहे और आंखों में बसा के चले। यहाँ आए तो ऐसे लगा था कि भी पत्थरों पे पत्ते गिरे हुए हैं ना, जैसे पत्ते बिछाए गए हो अलग 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 अलग, बहुत ही सुंदर नज़ारे दिख रहे हैं। हिमालय एक अलग तरीके से ट्रेनिंग दे रहा है, तो मेरे को देखो निहारो और चुपचाप आराम आराम से आंखों को ठंडक पहुंचाते हुए अपनी यात्रा करो।
दिन का 1:30 बज रहा होगा और अभी देखो कितनी मोटी मोटी है बर्फ की वो, और ये बड़ी खतरनाक होती है क्योंकि ये पक्षी खाया गया अभी। हर की दून रह गया 20, यानी कि हम 7 किलोमीटर चल लिए। हमारी निधि और अनु को बहुत मिस कर रहे हैं हम, वे मिस यू अलॉट। चलो भाई एक डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, फाइनली पहुंच ही नहीं वाले हैं। इस पत्थर के अंदर से पानी की आवाज़ आ रही है, पता नहीं कहाँ ऊपर से नीचे नीचे बह रहा है। ये हम पहुंच गए, प्रॉपर पहली दुकान मिली है, गांव में पहुंचे हैं। कौन सा गांव है ये फिर बुर्गी में? गंगाड़। ए सब मैगी खा रहे हैं यहाँ पे, मैगी मिलती है यहाँ ज़्यादा। चारों तरफ से पानी पानी, कितना भारी गट्ठी लेके आ रही है। ये देखो कपड़े धोके ना यहाँ सुखाए हुए थे, अभी लेके जाते होंगे शाम को। नदी के किनारे धो धो के सुखा रखे हैं, थोड़ी आवाज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। और झूला देखो, पुल एकदम टेढ़ा हो रखा है लकड़ी का। कह रही तू तो काजू बादाम खाती है, मैं दाल भात खाती हूँ। काजू बादाम खाते हैं, हाँ। चावल है, चावल खाते हैं। और उसमें इतना बोझा उठाते हैं ना, ये तो पहाड़ की है। ना मैं दुनिया से उठ जाऊंगी। नहीं उठ जाएगी, नहीं तो तुम्हारे वीडियो बनाएंगे, फोटो बनाएंगे। ना बनानी। ये कह रही है हमारे से अट्टी कट्टी पहाड़ है ना, उठा, जोश में आ गई वो। बजरंगबली की जय। बजरंगबली की जय। और भाई काजू तो ठीक है यार, नहीं ना तुम्हारी माँ पे शेषे वाई। हाँ बिल्कुल माई हो आप। हेलो भैया, हम गांव में आ गए। 5 जने हो ना, 10-10 रुपए ले लेना, ठीक है, और चीज खा लेना। टोपी टोपी कह रही थी, टोफी। भैया ने बोला था कि यहाँ बच्चे टॉफी टॉफी करेंगे, और वो ध्यान ही नहीं रहा, दुकान के चक्कर में पैसे दे दिए। गांव के बीच में आ गए, बच्चे ही बच्चे दिख रहे हैं अब तो। बोल से खेल रहे हैं मम्मी के साथ। तभी मैं कहूँ बोल के मारी, बच गया। अरे सॉक्स की जो वो बना रखी है, बॉल बॉल नहीं है। हाँ जी, बंदूक भी ले रखी है भाई, गोली मारेगा। गोली नहीं मारनी, बॉल खेल ले, चल पिट्टू खेल ले। ये है हमारा होम स्टे, वाह आनंद आ गया। ओहो जूते उतारने पड़ेंगे इधर। ये हमारा रूम है, बढ़िया रूम लग रहा है ना। हिंदी आती है ये बंदूक लिए घूम रहा है, ये दूर से बंदूक दिखा रहा था हमको। डियो के घर है ना, तो शूज उतार के रिमूव करके आया है यहाँ पे। अंचू मिट्टी में खेल के हो गया गंदा शिंदा है। भैया कह रहे हैं ये मंदिर बंद रहेगा अभी, 22 गांव के देवता। तो मतलब वो साल में एक बार ही आते हैं गांव में, मेला होता है ना। हाँ मेला होता है, मेला होता है तभी खुलेगा ये। हाँ तभी खुलेगा, अगस्त में। कभी किन्हीं की फोटो है अंदर, मतलब कोई मूर्ति वगैरह? मूर्ति वूर्ति नहीं है, मूर्ति मूर्ति नहीं है, वो घूमते रहती डोली। डोली आएगी, कहते हैं उसको शिव का स्थान बोलते है ना। हाँ हर की दोन को सब बच्चे 6:30 बजे उठ जाते हैं। क्या कहा जाता है? ये देखो इन बच्चों को बना दो अंग्रेज है ये पूरे। देख लो मेरे पास, आप मेरा फोटो ये। हाँ तेरा फोटो आ गया, मेरा फोटो ये। हाँ तेरी फोटो आ रही है। हम यहाँ पे आग सेकने आ गए, और क्या चाहिए ऐसे ठंडी जगह पे। एक चूल्हे के अंदर 3 चूल्हा, ये एक चूल्हा, वो गैस बना रखी है धुआं के लिए, और धुआं नहीं होगा बिल्कुल भी। चिमनी भी ऊपर लगा रखी है, देखो वाह ये मॉडर्न तरीके से कर रखा सारा काम। ये देखो और गर्मी की गर्मी, ये देखो गर्म गर्मा गर्म सूप। ऐसे सब्जी सब्जी बोल रही हूँ, मुझे खा लो। हमारा पोहा आ गया है, ब्रेड बटर। चाय बड़ी टेस्टी थी इसलिए हम चाय भी पियेंगे। बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगी जितनी नीचे सीमेंट के घरों में लगी थी, क्योंकि लकड़ी गर्म रहती है दिन भर, तपती है। और ये यहाँ के इनके भैरव जी हैं, देवता जी। देखो लेडीज सुबह सुबह लग गई, बच्चे भी सुबह सुबह उठ गए। मोबाइल ना होने का एक फ़ायदा है, स्कूल तो जाते हैं बच्चे कि यहाँ पे खेलते रहते हैं, थोड़ा लेट स्कूल खुलता है इनका। और ये मंदिर जो रात को नहीं दिख रहा था, ये पूरे साल में एक बार खुलता है। भैया ने बताया था जो ढोल नगाड़ों के साथ महादेव जी की डोली आती है यहाँ पे। इस पूरी वैली को महादेव जी की वैली, मतलब शिव की वैली कहा जाता है, शिव का स्थान। इस वैली के अंदर, मतलब हर की दून के अंदर जितने भी गांव आएंगे, ये वाला पूरे पांडवों के रीति रिवाजों से माने जाते थे पहले, मतलब अभी भी थोड़ा बहुत है, लेकिन कुछ बुज़ुर्ग बचे हैं ऐसे जो कि मानते हैं, और नए जो जनरेशन आ रही है वो चेंज हो रही है। यहाँ पे बहुपति प्रथा थी,
बहुपति मतलब एक औरत के पांच पति, जैसे द्रौपदी के पांच पति थे, जनरेशन चेंज हो रही है तो उनमें अवेयरनेस आ रही है, पढ़े लिखे बच्चे हो रहे हैं। अभी एक बच्ची मिली थी हमें निधि और हमको, मतलब हमने सोचा था कि ट्रैक करने आई है, पर पता चला उसका गांव है ये और वो नीचे देहरादून में पड़ती है। तो जब बच्चे पढ़े लिखे होते हैं तो उनमें अवेयरनेस आती है। और सामने से आपको ना वो बर्फ के पहाड़ दिख रहे हैं, एक बार फिर से हम स्वर्गारोहिणी दूर से दिखाएंगे आपको। सुबह मंदिर में बजने की आवाज आ रही थी डोली 6 बजे। ऐसा कल्चर देखने का मौका मिलेगा, सुबह सुबह आइए। कितना पुराना मंदिर होगा ना ये, और कितनी अच्छी नक्काशी की है। अब तू आ जा। अंदर सिक्के भी हैं इनके अंदर, देखो ये 10 पैसे, वो 10 पैसे और 25 पैसे पहचान लिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, राम राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, नाम नाम, नाम नाम। ये देखो इनका झूला देख लो। तीसरे दिन की यात्रा हमने 8:55 हुए हैं शुरू कर दिए सुबह सुबह ना। ओहो, ये शायद ऊपर जाना है हमें हर की धुन के लिए। खड़ी चढ़ाई एकदम। इस गांव में अभी भी 15 जोड़े ऐसे बचे हुए थे जिनकी 5 शादियां थी, 15 बुजुर्ग वाले। ये सर्दियों में सारे अपनी घास देखो कहाँ तक, कहाँ ऊपर चढ़ चढ़ के घास सुखाते हैं ये चारे के लिए। बड़ा ही कठिन जीवन है इनका पहाड़ का। आज हम गंगाड़ से कलकत्ती धार तक ट्रैक करेंगे। वहाँ पे कोई कलकत्ता के ट्रैकर आए थे, उनकी डेथ हुई थी गिर के, तो इसलिए उसका नाम कलकत्ती धार। अब जगह जगह ऐसी ब्लैक आइज मिलती चलेंगी। शिट यार, ये ढलान के साइड देखो, ये डेंजरस है। ये सारा ओसला का एरिया शुरू हो गया, जहाँ हमें आते वक्त रुकना है वो है ओसला गांव। मैं सोच रही थी ये बिजली बिजली बनाने का है, ये नहर से पानी जा रहा है। हाँ, नीचे बड़े बड़े फट्टे लगे होते हैं। हाँ, पानी के फोर्स से वो उसको घुमाते हैं, ऊपर चक्की है, चक्की चलती है, आटा पिस रहा है, आटा पिस रहा है। अरे बाप रे, देखो ये आटा पिस रहा है, ये देखो पानी के वेग से नेचुरल आटा, देखो देखो उसमें भरती है गेहूं एक बार। हाँ हाँ हाँ, हम अपने आप आगे देखो, दो दो तीन तीन दाने निकल रहे हैं ना। हाँ हाँ हाँ, देखो चक्की की, हाँ वो दो दो तीन तीन दाने निकल रहे हैं। ये देखो आटा भी कितना बढ़िया है। अच्छा मैं भी कहूँ, जो आटा पिस रहा है वो है नहीं यहाँ पे। अच्छा ये दो काम हो जाएंगे, आटा पिस जाएगा, स्वेटर भी बन जाएगा। और लेके कहाँ कैसे जाओगे, कंधे पे ही? ये गांव वालों ने जो झाड़ियाँ होती हैं ना सूख जाती हैं, वो काट के रखी हैं, ताकि अभी साल भर के लिए जो 6 महीने के लिए बर्फ पड़ती है उसमें ये लेके जाएंगे अपने घर में। इनका खाना बनाने बनाने का काम चलेगा। रास्ता ही ख़त्म है इधर, और अब इधर से जा रहे हैं। देखो उधर से हाथ पकड़ेंगे ना भैया। भैया ना मेरे को चेस्टी पे नहीं बांधने दे रहे गोपरों, कह रहे नहीं भाभी कर लोगी कर लोगी। और अब देखो ऐसी ऐसी जगह आएंगी, आई कैन डू इट। ये भैया हमारे लिए वो कर रहे हैं, देखो अभी ये रास्ता ना ही है, रास्ता ही नहीं है। क्या नाम है हस्बैंड का? विनोद जी। ये बहुत अच्छी ट्रक वो कर रही है, इसकी साल में इसको एक ट्रैक करा दिया करो, और साथ में आप भी आओ। पेड़ों को मत काटो भाई, प्रकृति की ये करते हैं भरपाई। कितना अच्छा लिखा हुआ है। ये आ गया फॉरेस्ट वालों का गेस्ट हाउस। ओक से पीने का जो मजा है ना, बोतल से पीने का नहीं है। बड़े प्यारे नंदी लग रहे हैं छोटे छोटे, ये देखो कांच के शीशे ठंड से चटक गए हैं। 2 दिन का मेला, क्या मेकअप कर रही है। सबसे ऊंची पीक वो स्वर्गारोहिणी की है, और देखो कितना शानदार व्यू, इतने खूबसूरत नजारे हैं, क्या छोड़ें क्या दिखाएं। बहुत सुंदर ट्रैक होता जा रहा है, नदी के साथ साथ चलते जा रहे हैं ना भैया, ना सांस रोक के इतनी देर तक पोज दिलवाते हैं, पेट अंदर भीड़ के रखना पड़ता है। हर की दून 14 किलोमीटर, कोई कहेगा पागल लोग हैं जंगलों में भटक रहे हैं।
अच्छे शॉट ऐसे ही कोई आते हैं, नीचे जाना पड़ता है फिर ऊपर आना पड़ता है। और आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते हो चैनल को और ना शेयर करते हो। भैया कह रहे हैं मंदिर अभी बना है, पहले नहीं था। आते वक्त देखेंगे, अब हम ग्लेशियर के पास जा रहे हैं ना, इसीलिए आते वक्त देखेंगे क्योंकि ना वहाँ और जल्दी ठंड हो जाएगी 2:30-3 बजे के करीब। जूस पिया तो एकदम एक्सट्रीम खट्टा है, छोड़ना पड़ा, या तो बुरा चीनी मिलाए, 30 रुपए का गिलास दिया था। लोग मंदिरों में जाते हैं, मुझे हिमालय अच्छा लग रहा है, यही भगवान नजर आ रहे हैं। बापू रास्ता तो बहुत खराब है, पूरे पे आइस है, पूरे पे जहाँ तक देखो वहाँ तक आइस ही आइस नजर आ रही है। वहाँ आते हैं एनर्जी डाउन हो गई थी बिल्कुल, फिर डीप ब्रीथ किया, नाक से गहरी सांस ली और छोड़ी, वो बंद करती आई बीच में बोलना, तब जाके पहुँची यहाँ तक, सांस उतरी है। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। 35 साल की उम्र में लेडीज जो हैं, कितनी रीना जिन्होंने कभी कुछ नहीं किया, ऋषिकेश तक ही आई हैं, ज़िंदगी में कभी नहीं आई उससे आगे, और देखो आके ट्रैक कर रही हैं। ये झरने देखो जमे पड़े हैं, इधर वो झरना जम गया है, ये झरना जमा हुआ है, उधर से है क्योंकि उधर धूप नहीं आ रही ना। ऐसा वो हौसला में रहते हैं जहाँ पे हमारा स्टे है, कितनी दूर दुकान लगाने आते हैं देखो। धीरे धीरे मंजिल की ओर बढ़ते हुए, भैया कह रहे हैं कहीं से भी चलो पहुँचना है, कल उस धार पे चढ़ना है, पता नहीं कहाँ है हमारे टेंट। ये देखो गाय मरी पड़ी है, इसने दिखाया, ये मारा होगा बाघ भालू ने किसी ने, मैंने तो नहीं देखी उधर की साइड, चीते होते हैं ना यहाँ पे लेपर्ड। देखो बैम्बू है और भालू ने मुझे लग रहा खा भी रखा है, उसका प्रिय है बैम्बू। धोखा हुआ हमारे साथ, 21 बताया गया था और निकला 27 किलोमीटर। हम अपने बंगले में आ गए, लेटेगा नहीं अंदर, नहीं नहीं लेट नहीं रहे, बैग रखो बाहर रहो। हम सब स्ट्रेचिंग कर रहे हैं और दो जने जो हैं वो स्ट्रेचिंग नहीं कर रहे। आपसे उठते हैं देखिए पीछे से पैर, चाय पकोड़े आनंद लेते हुए, सनसेट देखो वाह, और इधर ये सोने की तरह चमकेंगी, चमकने लग गई। हाँ सनराइज में भी, इसमें हाँ, ये देखो पूरा येलो हो गए पहाड़ सारे, हम पूरे डाकू बन गए हैं। सनसेट तो दिखाई दिया था, अब हम लकड़ियाँ चुगने जा रहे हैं बोनफायर के लिए। बहुत तेज एकदम से मौसम चेंज हुआ है, हवा आ गई है। अच्छा बोनफायर तो कर रखी है भाई, और ये देखो क्या बोनफायर का मजाक कर रखे भैया हमारे से। ओह गर्मा गर्म नूडल्स मिल जाए, ठंडा होता है इसलिए फटाफट, एक मिनट में ठंडा हो जाएगा ये। स्वीट डिश में है गाजर का हलवा, वो मजा आ गया, बड़ा स्वाद खाना बना है। ये देखो रात को अपना बैग लगा रहे हैं और इसी में सोना है, और बैटरी भी निकाल के सोनी पड़ेगी नहीं तो डिस्चार्ज हो जाएगी अगर गोप्रो में लगा के छोड़ दूंगी ना। हालांकि ये वैसे गर्म नहीं होते पर अपनी बॉडी से गर्म, मतलब शरीर की उससे गर्म होते हैं, और स्वेटर पहन रखा है, नीचे हीट लॉक जो कोलंबिया के इनर थे वो, बहुत ज़्यादा कपड़े ना लाए, आपको शॉप वाले बोल देंगे, अरे फर के जो वैसे आते हैं वो बोल देंगे ये ले जाओ, लेकिन ऐसी जगहों पे नहीं चलेंगे, डिकैथलॉन से खरीदिए, -10, -9, -2 या -- में जितने भी होंगे उतने के वहाँ पे मिल जाएंगे, आपके पैसे बच जाएंगे बहुत सारे। और रात को बिल्कुल भी नींद नहीं आई, मतलब थोड़ी बहुत देर के लिए आई, टेंट में कैंप में आती ही नहीं है नींद बिल्कुल भी। और ड्राई टॉयलेट होते हैं, टॉयलेट में क्या होता है अपने के पे मिट्टी डालो, दूसरा कोई जाएगा वो मिट्टी डालेगा, तीसरा जाएगा वो अपना मिट्टी डालेगा। दलिया एंड ब्रेड, इसको ना हर दिन अगले दिन की ट्रैक की टेंशन होती है कि मैं कैसे चलूँगी। ये फॉरेस्ट गार्ड आया ना उनके साथ आ गए ये भैया, और ना तीनों घोड़े बेचारे उसी उधर से ले आए जो हमारा ओल्ड रूट था, उधर से लिया गिर गए तीनों, ये तो अपना दर्द भी नहीं बता सकते। वो ऊपर केदार कांठा है, बर्फ नहीं है अभी बिल्कुल ही, अगर ये किसी के सर में लग जाए तो उसका काम तमाम। ये देखो ना ये कह रहे हैं कि 1 घंटे में हम क्रॉस कर जाएंगे, उसके बाद सीधा सीधा रास्ता, मतलब 2.5 घंटे में टोटल ट्रैक हो जाएगा। निधि ने देखा कि पूरे सूखे वन में
एक अकेला पीला है। मैंने कहा जिसको खेलना होता कहीं भी खेल जाता, देखो। पर इस रास्ते पे एक खासियत थी, पानी हमेशा हमें साथ मिला। हमने गर्म पानी भरवाया आधा और आधे इसको पीते हुए गए। बहुत अच्छा ट्रैक है ये। अब एक्सट्रीम डाउन में जाएंगे हम। मेरा बॉडी गार्ड थोड़ा बैठ गया कि ये रोती पीटती उठती रहेंगी, इतने हमें आराम से रेस्ट कर लेता हूँ, सो लेता हूँ, एकदम मैं वैसे भाग आऊँगा मैं तो। उसको मैंने बोला भालू है नीचे, तब मेरी आवाज़ गई उस तक। देखा मेरी आवाज़ वैसे कहाँ कहाँ तक जाती है ना, तुम्हारी आवाज़ नहीं गई। मैंने बोला पूर्णिमा भालू है नीचे, वो रुक गई। अब हम भी पहुँचने वाले हैं। ओहो झरना आ गया। चार दिन से ये लोग नहाए नहीं है तो इनको नहा लेना चाहिए, मैं तो नहा ली थी। रख के आओ। वो कैसे होल में से लग रहा है, छेद में से पानी आ रहा है, क्या नजारे हैं दोनों तरफ। इधर देखें कि इधर देखें। वेद व्यास जी के कहने पे महाभारत लिखी थी, भोजपत्र पे ही लिखी थी। ये है भोजपत्र का पेड़, ये देखो कितने बारीक है ना। मेन रास्ता वो था जो हमने छोड़ा था, जहाँ पे पुल क्रॉस किया था ना, जहाँ बर्फ बर्फ मिलती जा रही थी। फिर हम इस वाले पहाड़ के रास्ते से आए हैं। मेन रास्ता ये यहाँ के मिलता है, ये तो इजी रास्ता है बहुत ज़्यादा। घोड़ों को ऐसे जगह देनी पड़ती है साइड में। भैया ने बताया ठीक, ये जो पहाड़ है ना बर्फ वाला, उसके नीचे हमारा कैंप लगा है हर की धून में। कितने प्यारे फूल लग रहे हैं ना, वाह, एक एक ब्यूटी देखने लायक है। और हमारी किस्मत अच्छी है कि अभी यहाँ स्नोफॉल नहीं हुई। वैसे देखो देखा जाए तो इस टाइम पे हो जाती थी पुराने टाइम में, पर अभी ग्लोबल वार्मिंग तो चल रही है, उसके चलते हुए लेट है अभी दिसंबर के। हो सकता है, भैया ने बोला था हो सकता है कि आजकल में हो जाए, रात को तुम सो रहे हो तो हो जाए, फिर तो ये ट्रैक बंद हो जाता है, जाने का रास्ता नहीं होता इसका, तभी फॉरेस्ट वाले मना करते हैं। पूरा बंद करके जाऊंगी, वो देखो पूरा लैंडस्लाइड जोन आया, ऊपर चढ़ना है वहाँ पे। ये देखो ये रास्ता कैसा था, माय गॉड। बस हमारा 3 किलोमीटर बचा है लास्ट का। थोड़ी देर पहले डेढ़ था। हाँ थोड़ी देर बाद डेढ़ था, आगे जाते जाते 4 हो जाएगा। उससे पहले उस किलोमीटर था। फॉरेस्ट में इनकी फोटो देखी थी मैंने कई 20-25-30 साल पहले। अच्छा बर्फ में खड़े हो रखे थे डंडा लेके। हाँ जब तो यंग होंगे। अच्छा अच्छा ऊपर गेस्ट हाउस है। अच्छा भैया कैंप हटवाने जा रहे हैं, क्योंकि ये ना ग्लेशियर जोन के बीच में नहीं लगवाते कभी भी। ये देखो नींद पूरी कर चुका अपनी, पहुँच गया था पहले ही। ये हमारा कैंप है भैया, कैंप पूरा, इनका कैंप ये रहा। ये आज रात के लिए हमारा घर पहाड़ों के बीच में। मेरी बेटी पता क्या कहती है, शिवांगी का फोन आया, वीडियो कॉल आई जब हम सागरी में थे ना, कह रही आप फिर चल दिए हमारा गर्दी करने के लिए। आज है राजमा चावल और राजमा भी हर की दोन की। मनाली जैसी फीलिंग आ रही है, खाना खिला के ओहो सारा ऊपर आ रहा है मुके, बोला भी नहीं जा रहा। ये पूरा ग्लेशियर जोन है। थोड़े दिनों बाद यहाँ कोई पैर भी नहीं लग सकता। ये स्वर्गारोहिणी है देखो, ये वाली, ये जो पीक दिखाई देती है वो यहाँ से कितने पास से दिखाई दे रही है, और सीढ़ियाँ भी यहाँ से नहीं दिखेंगी, वो दूसरी तरफ से दिखेंगी। और यहाँ इसके बाद ही हिमाचल भी शुरू हो जाता है। मैंने बोला था हिमाचल की फीलिंग आ रही है मुझे, लंबे लंबे बड़े बड़े ट्री। टेम्परेरी जुगाड़। इस जगह को देख के सारी थकान दूर हो गई। ये स्वर्गारोहिणी, वो जोंधार ग्लेशियर। हाँ, इसको पार कर दो तो छितकुल। छितकुल। छितकुल उतर जाओगे। अच्छा स्वर्गारोहिणी कितनी पास से देख रही हूँ मैं भाई। और इसी को हर की दून का मतलब है शिव का स्थान, शिव की घाटी। शिव की घाटी। ये सारा ग्लेशियर जोन है ना भैया। हाँ। ये पूरा ग्लेशियर जोन है। इस चोटी का नाम है काला नाग, और ऐसे ही आ रहे हैं जैसे नीचे शंकर जी का मस्तक हो और ऊपर से काला नाग आ रहा हो।
अरे भोलेनाथ, सारे कैलाश हिमालय में ही तो है। हाँ, सारे कैलाश हिमालय दूर दूर पैदल चल के आते हैं। हाँ, तो हमको लगता है पता नहीं कितनी दूर है। पर एरियल वो एक साथ ही है वैसे, पर हमें अलग अलग लगते हैं। आप तो सब अगल बगल है सारे। जाते जाते एक बार फिर से दिखा दूं। ऐसा मन कर रहा है कि यहाँ बैठे रहें और इस नदी की कल कल करती आवाज को सुनते रहें। स्वर्गारोहिणी, कालानाग और इन सब चोटियों को बिलाई। वैसे तो हम हर की धुन में ही हैं, पर यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि मौसम एकदम चिल्ड होता आ रहा है। हाथ तर कांपने लगे हैं। यहाँ पे अभी भी गर्मी है और वहाँ पे एक तो ग्लेशियर में था ना, हिमालय है पूरा। हिमालय तो खैर हमारे यहाँ भी है, पर नदी भी पास में थी तो बड़ी ठंडी हवा लग गई थी एकदम से। प्रेडिक्शन तो शायद इस जन्म में ना कर पाए, पर हो सकता है थोड़ी बहुत यात्राएं दिखा दें। यहाँ आके कैंप में सोने के बाद लगता है कि अब बस बहुत हो गया। फिर एक यात्रा खत्म होने के बाद थोड़े दिन बाद फिर मन वो करने लगता है। ओहो, मोमोज टूटो मिक्स सब्जी, वेज रोटी और दाल, बहुत अच्छे मोमोज हैं। मतलब वेज बिना चटनी के भी अच्छे लग रहे हैं। इतनी हाइट पे अगर ऐसा खाना मिल जाए तो और क्या है इससे बढ़िया। हम कैंप के अंदर ही अपनी जैकेट शॉल ऐसे करके सो रहे हैं और अभी तो यहाँ पे लगाऊंगी मैं पूरा। मेरे पास जो स्वेटर वगैरह लाई हूँ ना मैं, बहुत ज़बरदस्त ठंड है आज, बहुत ही ज़्यादा। वो बाहर गई है क्योंकि कोल्ड हो गया उसको, रीना को ना, तो दवाई देने गई है। कोई कैंपिंग करे ना फर्स्ट टाइम तो सोच समझ के करना, बहुत खतरनाक ठंड लगती है। आज की रात बड़ी खतरनाक रात होने वाली है। ग्लेशियर के नीचे है, साथ में नदी है और पूरा ग्लेशियर जो ना पता नहीं क्या होगा। मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी कि इस एरिया पे ना धूप आती है पूरी। स्नो यहाँ भी थी, ऐसी स्नो यहाँ भी थी, लेकिन इस एरिया पे धूप आने के कारण ना तो पिघल जाती है वो। इन चोटियों को लास्ट टाइम देख लो। ग्लेशियर के पास हवा देखो कैसे चल रही है, समझ सकते हो हमारी व्यथा। मीठा चीला है, मीठा, हल्का मीठा है, अच्छा लग रहा है। हर की दून की घाटी को लास्ट प्रणाम। कल उधर देख के ना चोटियाँ, ऐसा मन कर रहा था बस देखते रहो। भैया बोले फोटो नहीं खिंचवानी, मैंने कहा भैया 15-20 मिनट चुप बैठने का मन था। कल जब मैं आई थी मैंने कैमरा इसीलिए खोला, आप ये देखो धूप का कमाल है, नहीं तो यहाँ पे पूरी तो बर्फ मिलती हमको। ये देखो झरना साइड में से भी रात को जम गया होगा। 2 मिनट पहले भी आपको यहाँ बर्फ दिखाई थी ना, ये देखो सब गिर गई, झड़ गई धूप से। हमें अभी रास्ते में बच्चे मिले थे तो कैंपिंग की है उन्होंने यहाँ पे, अब वो समझ जाएंगे। अब मैं तो दिखाऊंगी जरूर, भरी लेके आए हो तो खाली ले जाने में क्या प्रॉब्लम है। ये देखो यहाँ पे जलाया खाना बनाया, ये इन्होंने यहाँ प्लास्टिक की बोतल छोड़ दी, ये टेट्रा पैक छोड़ दिया। खाने की चीज़ हो तो देखा जाए पर ये सब जानवर के पेट में जाएगा। हमारे साथ वो भैया हैं, वो सारा पैक होके जा रहा है। भैया की दाढ़ी बढ़ गई चलते चलते। और ये सफ़ेद भी हो गई। अब जाना है ओसला, जो कि इनके बताए अनुसार 1.5 किलोमीटर है। वैसे पहाड़ी लोगों पे विश्वास नहीं करना चाहिए इस मामले में। ये है वुमेन पावर, देखो गांव में मिलेगी आपको। हम तो नकली वाले हैं, अपनी बड़ाई करते आते हैं, और असली ये देखो, घुटने भी मजबूत, कंधे भी मजबूत। पुल से आके सीधा हर की दून गए थे, अब हमें ओसला गांव के लिए यहाँ से इस तरफ जाना है। और कसर रह गई थी हमारे में जो हमें सीढ़ियाँ चलनी पड़ रही हैं। ये आ गया गांव। वाह, 15 किलोमीटर आज हमारे पूरे हुए यहाँ पे। अरे बाप रे, हमारे इंतजार कर रही थी कि कल के गए आ जाएंगे। लो भाई होम स्टे में आ गए। अरे अरे क्या स्माइल किया है। अरे देखो मानव की बुआ ने मेरी कितनी घनघोर बेइज्जती करी है। उनसे पूछी है कि तेरी मम्मी है, मैं उसकी मम्मी बताई हूँ, बताओ कहाँ से मैं उसकी मम्मी लगती हूँ। फिर मैंने बोला अपने आप को सेटिस्फेक्शन देने के लिए कि यहाँ मम्मियाँ छोटी छोटी होती हैं, बेटियों के बराबर ही होती हैं। ये सारे सेब के पेड़ हैं, यहाँ राजमा होती है, हम राजमा भी लेके जाएंगे और अखरोट भी होते हैं।
ये अखरोट तोड़े जा रहे हैं। टाइट है होम स्टे जहाँ हम ऊपर आज पैर फैला के सोएंगे। ये देखो, ओहो क्या बढ़िया नींद आने वाली आज तो। हाय आज हमारी जिंदगी थोड़ी सी खुली खुली। टापू ये पिट्टू है? नहीं नहीं टापू है, पिट्टू तो दूसरे ऊपर बॉल मारने वाला होता है। इधर गांव है इधर पूरे ना। देखो कपड़े धो रही है, अपने कपड़े धो रही है बेटा। पेट का टब बना रखा है और कितना ठंडा पानी है। हमारे बच्चों के कपड़े ऐसे मिलेंगे हमें घर जाके। देखो इधर पूरा खेत दिखाई दे रहा है जो वहां से दिखाई दे रहा था। ये गांव भी पांडव वो वाले जो अभी गंगार दिखाया था ना पीछे, ये भी उन्हीं की उसका है। इनकी टोपियों से पहचाने जाते हैं लोग। क्या नक्काशी है पुराने टाइम की। यहाँ भी सोमेश्वर महादेव की पूजा होती है, उन्हीं की डोली आती है। वो डोली जब गंगार में आती होगी ना तो यहाँ भी आती है। हमने बच्चों के लिए बिस्किट खरीद लिए। ले ले भाई। ईमानदारी पूरी है बच्चों में, बोले हमें मिल गया हमें मिल गया। ये देखो पानी भर के ले जा रहे हैं घर के लिए। हम यहाँ वाईफाई का भी पता करेंगे। ये सबने स्टोरेज के लिए बना रखा अपना पूरा। ये देखो लकड़ियों के बड़े बड़े ताले लगा के। वो आंटी देख कहाँ से डाक रही है। गाँव के लोग यहाँ पे बुखार की खांसी की दवाई मांग रहे हैं। हमारे पास रखी है बची हुई तो वो सबको बांटते हुए चले जाएंगे। अच्छा गोली की कीमत कीमत है हाँ। अब लगाओ ना यहाँ से 18-20 किलोमीटर नीचे से नीचे से हाँ। ये गांव का लास्ट घर है इधर, और ये हिंदुस्तान का हर की दून के इधर का आखिरी गांव। दादी के लिए तोड़ रही है ये है। कौन सा गाना सुना रही थी? गाना गा दे। अपने से बड़ी तो कुल्हाड़ी वो ले रखी है इन्होंने हथौड़े। ये तोड़ दिए देखो नंगे पैर, कोई ठंड नहीं। वाह अरे बिच्छू घास लग गई। कई सफल हुआ उत्तराखंड आना। भैया क्या बना रहे हैं? शॉल कोट सूट। अच्छा कोट। ये बना रहे हैं की कलरफुल है। क्या ये जैकेट है आंटी? नहीं अरे इसमें क्या मतलब अच्छा वही है। अच्छा ये तो आप कलरफुल बना रहे हो। ये देखो ये रहा। अच्छा ये आंटी ने देखो सज गई। ये आपका यहाँ का आया है? हाथ लगा लूं सोने का। अच्छा ये देखो ये इनका स्टोर है। देखो खोल के इसमें राशन है, कपड़े हैं। ये सुंदर लग रही है, ये अच्छी लग रही है, स्मार्ट लग रही है। हमारा बैग बैग जाने के लिए भी अच्छी है। हाँ वो यहाँ के साइज के हिसाब से बना रहे हैं। दिल्ली का साइज थोड़ा फैला हुआ है, दिल्ली एनसीआर का। अब साइज तो हमारे नाप का है नहीं, कम से कम हम पहन के नेताजी तो बन ले। इस घर की मेरे पास 10 साल पुरानी फोटो भी होगी। अच्छा जी इतने पुराने हमारे भैया। ये देखो ये लकड़ी से फोटोग्राफ कर रहा है, मोबाइल बना रखा है इसने लकड़ी का और ऐसे फोटो खींच रहा है। केदारकांठा का पहाड़ है। बाय बाय कर रहे हैं पीछे से। बाय बाय। यहाँ स्कूल भी नहीं है। स्कूल के लिए भी गंगार जहाँ हम पहले दिन रुके थे ना वहाँ जाते हैं यहाँ के बच्चे। 15 किलोमीटर है कल जो हम जाएंगे। इनमें इनके मम्मी पापा होंगे वो हमारी पिटाई करेंगे। ये कितने महीने में आई है? कहाँ? यहाँ पे साल भर में। अरे बाप रे साल भर में आई है अपने घर ये, तभी तो निजा रही है ये। एक साल में आई है ये इधर, मतलब ये अंकल और ये सारे भाई साहब जो थे एक साल तक बाहर थे घर से। तो पहाड़ देखो कैसे सोने की तरफ, उधर की तरफ धूप आ रही है ना। यहाँ की लेडीज के पास खूब सोना है, बहुत सोने के बड़े बड़े और बड़े बड़े पहने रहती हैं कानों के गले के। कैंपिंग के इतने शौकीन है भैया, आज भी अपना टेंट यहीं लगवा रहे हैं। ये नेपाल से हैं और बहुत अच्छा खाना बना रहे हैं। हमको इतने बढ़िया मोमोज खिलाए थे ना, चाउमीन भी बहुत अच्छी खिलाई। फैमिली में साल में 2 बार जाते हैं। तो वहाँ कौन कौन है बच्चे? एक लड़का है और घर वाली है। ओहो फ्रेंच फ्राइज मिलेगा आज।
ये आ गया सूप। कौन सा सूप है ये? मिक्स वेज। स्वीट कॉर्न सूप। ये हमारी देखो चटपटी चटपटी दाल आ गई है और बिना लहसुन प्याज की सात्विक भोजन कर रहे हैं हम। अब ये छठा दिन हमारा और अपने घर की याद आने लगी है बस। रात को दोनों तरफ से खराटे की आवाज आ रही, बीच में एक औरत के चिल्लाने की आवाज आई, बिल्कुल औरत जैसी आवाज थी। और ये भी आई, क्या भाभी जी भी यहाँ पे आई कि कौन चिल्लाया था रात को, तो हम तो और डर गए। मैंने कहा पता नहीं पहाड़ी एरिया है, तो भैया ने बताया कि रात को उनका कैंप लगा हुआ इधर, उसके चारों तरफ सियार घूम रहा था। सियार वहाँ बैठा हुआ था, तो सियार की चिल्लाने की, और बिल्कुल औरत की तरह चिल्लाया, एकदम औरत की जैसे चिल्लाया, हम तो डर गए। सुबह सुबह पूरी सब्जी मिल जाए, आहा। चलो भाई बाय 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 करते हुए निकल रहे हैं। बकरी का बच्चा दूध पी रहा बकरी का। हाँ हाँ, इस रास्ते से हम चढ़ के आते तो ये हमारे पैरों में दर्द कर देता, क्योंकि पत्थर ही पत्थर है इस रास्ते में। कैसा रास्ता है ये? शॉर्टकट तो है लेकिन खतरनाक, और उस पे आइस मिलेगी, स्नो, वो वैसे खतरनाक। यहाँ अगर कोई गिरा तो अच्छी खासी चोट लगेगी, ये पत्थर चुभेंगे उसके। और भैया जी रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक हाथ में खाली हाथ चल रहे हैं, तो बड़ा पता चलता है ना। बच्चे नीचे लेके जा रही है इनको, मैं सोच रही हमारे वाले आगे। तो भैया देखो कहाँ खड़े हैं, हमारे वजन से तो पेड़ ही नीचे आ जाएगा। पुराना रास्ता सेम आ रहा है तो हम बंद कर रहे हैं गोप्रो, स्टॉप रिकॉर्डिंग। ये पहुंच गए हम गंगार, इतना प्यारा और साफ सुथरा गांव है, ऊपर से आ रहे हैं तो एक कूड़ा करकट नहीं दिखाई दिया। इस मेरे को बड़ा प्यारा गांव लगा, पर इसको हम ज़्यादा नहीं घूम पाए। ये चक्की है, ये सर्दियों के लिए आटा पीस के रख रहे हैं। इस घराट के मालिक कोई और है? अच्छा आप मालिक हो? अच्छा ये तो कोल्ड प्रेस आटा जैसा है बिल्कुल। ये देखो ऊपर गया, ये ऊपर घूम रहा है, कितना तेज चल रहा है सिर्फ पानी के प्रेशर से। हमें ऐसे तीन चार वो मिल चुके हैं, ये लोग अपना सर्दियों का सामान इकट्ठा कर रहे हैं, तो गद्दे रजाई वजाई साइड हो जाओ इधर, रजाई गद्दे सब लेके जा रहे हैं। देखो घोड़े भी रुके हुए हैं कि पहले वो चला जाए फिर हम आएंगे। देखो जानवर में कितनी पेशेंस है, चार महीने फिर नीचे नहीं आ जाएगा ना, है आइस बन जाती है, आइस बन जाएगी तो गद्दे जिएंगे फिर, इसीलिए सब लेके जा रहे हैं। देखो भैया हमारे घोड़े वाले थे, हमारा सामान लेके गए थे, ये आ भी गए, छोड़ के भी वापस जा रहे हैं ऊपर अपने घर जा रहे हैं। गंगार 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 जा रहे हैं, ले हम यहीं तक पहुंचे अभी। फाइनली हमारी पैदल यात्रा अंतिम पड़ाव पर। कहा जाता है यहाँ पे, ये ना सारे जो गांव हैं ओसला और वो जो थे गंगार, ये बहुत टूरिस्ट फ्रेंडली हैं, बहुत अच्छे से प्यार से, क्योंकि ना यहाँ पे अभी जब गर्मी आ जाएंगी तो यहाँ पे कैंपिंग, रिवर कैंपिंग होगी साइड में, तो बहुत वो आते हैं टूरिस्ट आता है। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा कैंपिंग वगैरह होती है, इसीलिए कंस्ट्रक्शन भी बहुत चल रहा है। फाइनली आ गए हैं और ये धोखा हमारे साथ हुआ था। देखो ये पहाड़ दूर से कितने अच्छे लग रहे हैं, दूर से ही अच्छे लग रहे हैं। बाय बाय। बधाई की पात्र ये है हमारी रीना। हाँ। रीना फर्स्ट टाइमर थी, नी में भी झटका आ गया था, पर फिर भी इतने पेशेंस से, इतने आराम आराम से। और ये ना वो है ना अक्षय कुमार, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। अब हम सीधा जाके होटल में मिलेंगे आपसे, ठीक है। फाइनली हम उसी रूम में वापस आ गए हैं और अब पर्दे भी लग गए हैं। वहाँ के अकॉर्डिंग यहाँ ठंड कुछ नहीं लग रही, पहले दिन यहाँ आए थे तो इतनी जबरदस्त ठंड लग रही थी ना, मैं बता नहीं सकती। वाह वाह पास्ता, वाह। ये है दाल, ये है हरा साग, ये भी अच्छा लग रहा है। और वो देखो आपको लाल लाल नजर आ रहा है, फॉरेस्ट फायर हो रही है वो। खाना खाने के बाद हम बेड पे आ चुके हैं, अभी टाइम हुआ है कितना टाइम हुआ है 8:55। ट्रैक बहुत अच्छा रहा, रीना फर्स्ट टाइमर थी, पूर्णिमा ने 3 बार मतलब 12th क्लास तक उसने अमरनाथ जी की यात्रा की हुई है, तो रीना बहुत अच्छा चली है, पूर्णिमा भी अच्छा चली, और मतलब कुल मिला के बहुत अच्छे चले। लेकिन फिर भी मैं एक सजेस्ट करूँगी, जो भी चैनल से नई लेडीज़ आती हैं, अगर उनको ट्रैक करने हैं तो पहले वो स्टार्ट करें छोटे छोटे ट्रैक करने, 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर के ऐसे ऐसे ट्रैक स्टार्ट करें पहले अपने आप ही करने ना, बजाय बड़ा, क्योंकि ये
54 किलोमीटर का ट्रैक दो साइड से पड़ा आना जाना। आप लोग ना पहले ट्राई कर ली कीजिए, 10-10 किलोमीटर 15-15 किलोमीटर वॉक कीजिए, लेडीज को स्पेशली कह रही हूँ, जेंट्स भी अलाउड होते हैं। जेंट्स से क्या होता है, इसमें जेंट्स गए नहीं, जेंट्स से लेडीज को भी सपोर्ट मिल जाता है एक दूसरे का ना।